ये देखिए बिल्कुल बिना स्टीयरिंग की गाड़ी है और इतनी बड़ी। Hey guys, good morning, सब लोगों को स्वागत है एक और स्वैग वाला व्लॉग में, क्योंकि भाई आज आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत खुश कर दिया है। वो क्या है सब कुछ मैं आप लोगों को अपने घर जाके बताऊंगा। मैं अपने घर जा रहा हूँ होली के दिन, और सब कुछ सबसे पहले घर वालों को, बाद में आप लोगों को बताऊंगा, और घर वालों को तो पहले खुशखबरी देंगे ना। और अभी समय हो रहा है यार 7:07 हो रहा है, और फटाक से तैयार होता हूँ मैं। यहाँ से माँ के पास पहुँचना है तुलजापुर माँ, वहाँ से हम दर्शन करेंगे और जल्दी से निकलेंगे हम घर पहुँच जाए, ताकि 5 तारीख तक, आज 3 तारीख के 2 दिन है मेरे पास घर पहुँचने के। यार बहुत खुश हूँ यार, थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत खुश हूँ सच में। तो चलिए फटाक से तैयार होता हूँ मैं आधे घंटे में, और चेकिंग करते हुए रोड पर मिलता हूँ। वो क्या सरप्राइज़ है आप लोग, आप प्लीज़ यार आज तो गेस करके कमेंट कर लो, कोई कमेंट नहीं करता यार प्लीज़। आप लोगों की कमेंट की वजह से क्या क्या होता है पता है, लाइक और कमेंट की वजह से वीडियोस आगे इम्प्रेशन बढ़ाता है यूट्यूब, और दूसरे लोगों को पास भी भेजता है ताकि मेरे वो भी देख पाए। और प्लीज़ यार कर दो यार ये एक, ताकि मैं तो आगे बढ़ पाऊँ। सिर्फ कमेंट, आपको कैसा लगा कमेंट करो, और आप लोग प्लीज़ आज तो गेस करो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और आप लोगों ने क्या किया है मेरे लिए। तो प्लीज़ ये एक काम कर दो, और फटाक से मैं तैयार होता हूँ। अभी भी नींद नहीं हटी, देखिए 7 बज रहे हैं, आज पहली बार इतनी जल्दी उठ गया हूँ हिचहाइकिंग शुरू करने के लिए। तो चल भाई खुल गया शिमशिम। अरे 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 ये निकलता नहीं है जल्दी से, पूरा ऊपर जाता है। ओके दो है ना, मैं निकल ही गया समझा। ये देखो निकल जा शिमशिम हो गई। वाह उजाला देख के अलग ही पॉजिटिविटी आती है। और मैं कुछ मोबाइल और कैमरा चार्जिंग डाल लेता हूँ, और तब तक यहाँ पर वापस आके पैकेजिंग करता हूँ, आधे घंटे तक हो जाएगा। और मैंने कल रात से पूरी रात पावर बैंक चार्जिंग पर लगा दी थी। चलो भाई मस्त है उजाला, चार्जिंग लगा के आता हूँ मैं। क्या आप लोगों ने गेस किया या नहीं अब तक, गेस करो यार फटाफट क्या कर रहे हो। ओ भैया जी गुड मॉर्निंग, ले लीजिए थोड़ा सा मोबाइल चार्जिंग कर देंगे और कैमरा भी डाल दूंगा, वो पावर बैंक निकाल दीजिए कैमरा डाल देंगे चार्जिंग। चलो इन्हीं के पास रहा था मैं रात, और बहुत मदद करते हैं यार यहाँ के लोग, बहुत अच्छे। एक सेकेंड कैमरा भी देखता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बाद में मिलता हूँ, इसकी चार्जिंग डाल दिए। तो दोस्तों फ्रेश हो चुके हैं हम, और पैकेजिंग भी हो गई है। वो देखिए बैग रखा हुआ मैंने वहाँ पर, और यहाँ पर लगाया था मैंने। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो आप लोगों को बहुत ही मजबूर कर देगा मुंह में पानी लाने से। सच में यार मैं रात में इमली के पेड़ के नीचे अपना टेंट लगाया था, मैंने देखा नहीं था मुँह में पानी आ रहा है देखते ही। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बताओ। ओ गॉड एक बार दिला दे, सच बताओ ना। लेकिन लो टूट लिया मैंने। ए भाई ए, तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? बापे खतरनाक खट्टी है। एक कट्टी वाली देखते हैं, पक्की है ये। नॉट बैड नॉट बैड। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो चलिए मुंह में किस किस का मुंह में पानी आया बताइए। बहुत सारी इमलियां हैं यहाँ पर, अगर आप लोग टूर की खाना चाहो तो आ जाओ इधर ही, नहीं तो आपकी इमली के पेड़ के पास चला जाओ। ये देखो कितनी व्हाइट दिखती है यार, साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। मुंह में पानी लेके आ जाता है खट्टा चीज। चलिए हम निकलते हैं। चलिए भैया चलता हूँ। अरे तू जा रही बाय, शुक्रिया है मदद करने के लिए, थैंक यू सर, चलता हूँ बाय। वीडियो देखते रहे ना यूट्यूब पे आते रहिए। तो चलिए कुछ खट्टे के साथ निकलते हैं हम, आज खट्टा खाया ना, बताओ किस किस के मुँह में पानी आया। अभी तक कमेंट नहीं किया आप लोगों ने, क्या यार तुम भी। यहाँ से रोड ना बहुत कच्ची है, यानी कि बोर बहुत खतरनाक खराब है रोड है पूरा यहाँ से, तकरीबन
30-40 किलोमीटर दूर से आ रहा था ना मैं कल, तो वहाँ से देखते आ रहा हूँ इसी तरीके से रोडे पूरा ये दिखे, बहुत बहुत ख़राब है। बस एक बड़ी गाड़ी मिल जाए मुझे ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। 170 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, बड़ी गाड़ी यानी कि ट्रक वगैरह, मुझे ट्रक वगैरह लिफ्ट मिली ही नहीं है जैसे कि वहाँ पर मिला था पिछली बार, वहाँ से अब तक नहीं मिली। अगर आज मिल गई भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं यहाँ से हिचहाइकिंग और देखते हैं कौन सी लिफ्ट मिलती है। और अभी भी मेरे पास खट्टा खट्टा है, मज़ा आता है यार खट्टा खाने में। क्या है आती हुई गाड़ी रोक पाएगी, पता नहीं क्या होगा यार। अगर ये मिल गई बहुत लंबी लिफ्ट मिल जाएगी, शायद दोपहर तक ही, दोपहर 1-2 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं सीधे तुलजापुर माँ के पास। बस रोक ले, अरे हमारे बीजापुर की गाड़ी है कर्नाटक 28, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उनसे। बहुत बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है जब हमारे लोग हमें मदद नहीं करते। उन्हें क्या पता मैं आप उनका लोग हूँ करके, या बीजापुर का हूँ करके। और एक आ रही है बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी को हाथ मारते हैं यार, मज़ा आएगा यार। मैं तो हर किसी गाड़ी पे मार ही हूँ, जब कोई गाड़ी छोड़ता नहीं हूँ अगर मारने खड़ा हो गया तो लिफ्ट मांगने के लिए। लेकिन देखेंगे इस रास्ते पे बहुत मिलना कठिन है, कष्ट है, उस कष्ट को पार करना पड़ेगा आप उनको। यार मिल गए यार लिफ्ट आज की। सर आगे जा रहे हो? मैं तुलजापुर की तरफ जा रहा था सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपने रोक लिया। 40 होगा। अच्छा तो चलिए भाई, 40 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी है भैया से फाइनली रोक ले, और तकरीबन मुझे 8-10 तक लिफ्ट मिल गई है। पता नहीं आया और कब तक पहुंच पाएंगे यहाँ से, और 180 किलोमीटर तक है तुलजापुर, है ना 180 है ना जी। चलिए आपको शुभ नाम है? योगेश। चलिए पहुंच गए हैं, थैंक यू भैया जी, और भैया जी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। चलिए भाई यहाँ से निकलते हैं, 114 किलोमीटर बचाए हैं यहाँ से अभी फ़िलहाल, और 10 बजने आ चुके हैं तकरीबन, तो शायद मुझे लगता है 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं, है ना भाई। थैंक यू भैया जी सपोर्ट देने के लिए, यहाँ तक बहुत अच्छे से हमें केयर करके लेके आए। तो चलिए आगे जाते जाते हम कहीं पे वड़ा पाव वगैरह खाते हैं यार। यहाँ पर बताते हैं ना हमारे गांव वाले जो गन्ने काटने वाले आते हैं ना, तो वो लोग बताते हैं कि महाराष्ट्र का वड़ा पाव बहुत फेमस है, बहुत टेस्ट रहता है। जब मेरी शॉप थी तो वो तब भी ऐसे ही बताते थे, तो अभी बार ये टेस्ट करने का हमारे भी। तो दोस्तों मैं हूँ अभी खरड़ा में, और ऊपर देख सकते हो भगवा रंग कितना बड़ा लहरा रहा है यहाँ पर, और यहीं इसी के हमारे पीछे हैं रामगढ़ किला। अभी फ़िलहाल तो बंद है, अंदर देखने के लिए नहीं है, मैं अंदर जाके देखने का सोच रहा था लेकिन फ़िलहाल तो क्लोज है। और जो मैप में दिख रहा है ना इसका अभी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हालांकि इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा गूगल में। गूगल में इतना आ रहा है कि मध्य प्रदेश का आ रहा है गूगल में, रामगढ़ किला करके मैंने सर्च किया था लेकिन मध्य प्रदेश करके दिखा रहा है। जी जी चाची जी भगवे की जो छाँव है ना, उस छाँव के नीचे बैठ रही है यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए भगवा का इतना बड़ा छाँव है और इतना बड़ा ध्वज लहरा रहा है भगवा का बंद कलर का। चाची जी ये बंद है क्या, देख नहीं सकते अंदर जाके? क्यों टाल? टिकट दरवाजा बंद है हाँ। यहाँ पर चाची जी देखिए भगवे की जो छाँव है ना, इतनी बड़ी छाँव है कि उनके नीचे बैठी है थाईती। ओह भाई कितना बड़ा है देखो यार। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं रामगढ़ किला से, देख सकते हो चाची जी बता रहे हैं कि आप जाके देख सकते हो, जाके थोड़ा अंदर जाके देखो करके। चलिए इसकी भी देख ले लेते हैं, अपना है भाई।
रामगढ़ किला। ये देखिए ताला लगा हुआ है इसके ऊपर, और ऊपर ना ये तोप रखा गया है, अंग्रेजी जमाने का एक छोटा सा तोप, बहुत खतरनाक माना जाता था ना, तो वो वाला तोप ऊपर रखा गया है। खूबसूरत है देखने में भी। ऐसी जगह आ चुका हूँ ना, गली 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 गुजर के एक छोटी सी रास्ते में आ चुका हूँ जो कि गाँव का रास्ता रहता है। ये देखिए और कोई कोई गाड़ी नहीं है, लगता है तुलसापुर तक अभी चल के जाना पड़ेगा मुझे। सच में यार कोई गाड़ी नहीं है, बहुत छोटा रास्ता है ना, छोटे छोटे गाँव के रास्ते हैं। वो भैया का नाम, वो भैया का बात सुन लेनी चाहिए थी मुझे, वो बोल रहे थे पटोदा से वहाँ पर हाईवे है, हाईवे पे गाड़ियाँ गुजरती रहती है, तुम जा सकते हो करके। मैं ही नहीं सुना यार, मैं सुना कि एक 20-30 किलोमीटर की बात होगी, भैया एडजस्ट कर लेंगे। क्या एडजस्ट करूँगा यार, इतनी हैवी रोड पे आ चुका हूँ। और ये देखिए ये पूरा शमशान है, पीछे देख सकते हो, और शमशान चौपन अकेला गुजर रहा है। हो भाई क्रेन में लिफ्ट ले क्या, क्रेन है शायद, देंगे नहीं लेकिन ट्राई करेंगे। बच्चों के ले जा रहे यार, आई थिंक नहीं मिलेगा, फुल है ऑलरेडी। मैं आगे तक आ सकता हूँ भाई, आगे तक आ सकता हूँ? कहाँ तक जाएंगे आप, थोड़ा पकड़ोगे हमें? जाएंगे 4-5 किलोमीटर। अच्छा थैंक यू, कुछ जाइए जी, मैं तुलजापुर जा रहा हूँ, ऐसा जाने का। चलो भाई ट्रेन में लिफ्ट मिल चुकी है, और ये देखिए स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। कौन सी स्कूल है तुम्हारी? स्कूल का। अच्छा तो चलिए वहीं पर मिलते हैं, 4-5 किलोमीटर लिफ्ट मिली है ट्रेन में। इसमें स्टेयरिंग ही नहीं है, इसमें स्टेयरिंग नहीं है, स्टेयरिंग नहीं है, इसे ही चलाते हैं। ये देखिए बिल्कुल बिना स्टीयरिंग की गाड़ी है, और इतनी बड़ी, सिर्फ अंदाज से हिसाब से चलाते हैं उसको, गियर के हिसाब से, जो गेम खेलते हैं ना मोबाइल में उसी तरीके से सेम टू सेम। हाँ चाहिए ना।